जुलाई के अंदर दो बड़े इंतखाबात हुए हैं जिसमें सेंट्रल पंजाब में धूल चटाई है पीटीआई ने पीएमएलएन को, सात की सात नशस्तें वाज़े मार्जन से अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ ने जीती हैं और उसके साथ साथ PP 38 जो है वो इलेक्शन भी भारी मार्जन से तहरीक इंसाफ ने जीता है और इनको समझ नहीं आ रही कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए और कोई ये पॉइंट भी नहीं उठा सके उसके ऊपर। वरना ये हमेशा ये कहते हैं कि जहां पर ये जीतें इलेक्शन भी शफाफ और इलेक्शन कमीशन भी साफ, और जहां पर तहरीक इंसाफ जीत ले धांधली हो गई है, वोट खरीद रहे हैं, शनाख्ती कार्ड ये कर रहे हैं, तरक्याती काम ये कर, आप ये गिला कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन के अंदर फिर न जाने क्या हो जाएगा और बिलखसूस कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आपको इतना परेशानी है इलेक्शन की, तो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आप आ जाते। वज़ीर आज़म पाँच नशस्तों से पूरे पाकिस्तान से जीते थे, लाओ अपना वज़ीर आज़म। और मैं तो कह रहा हूँ इंशाल्लाह 2023 का इलेक्शन जो है ना वो होगा ही, यानी वज़ीर आज़म के ऊपर। वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल के लिए बहादुर, न डर, बेबाक और सबकी आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला, दयानतदार, अखराजात कम करने वाला, साफ माजी, कोई मुकदमा नहीं है, कोई भागने की जरूरत नहीं है उसे।